हमारे पास अब जो है सारे के सारे परमानेंट इफेक्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो जल्दी से हम लोग एक चीज देख लेते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट। सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्टोमैग्नेटिक होता क्या है? इट इज इंक्रीज इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग It is increase in already existing I and M effect in presence of external reactants during the time of reaction। जब reaction होने वाला होगा उस time पर जो हमारा already existing mesomeric या फिर inductive effect है उसका increment को हम लोग बोलते हैं electromeric और inductomeric। So both are temporary effects, both are temporary effects, ठीक है, right? अब समझो, increase in M effect, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इंक्रीज इन आई इफेक्ट इसको हम बोलते हैं इंडक्टोमैग्नेटिक। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझने का ट्राई करो। क्या होता है समझो, मान लो हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, अच्छा ऑलरेडी ये वाले बॉन्ड को थोड़ा बहुत तो ऑक्सीजन खींचना चाह ही रहा है, दिस इज द एग्जिस्टिंग canonical structures, let's write existing canonical structures, ठीक है, और उस कारण पे जो resonance hybrid हमारा create होगा, यानी अगर हम ध्यान दें तो C double bond O ये वाला bond थोड़ा सा weakening होगा, so this is more like a partial bond and that carbon has a delta plus and oxygen has a delta minus, this is permanent, ye to hoga hi hoga, ye dipole already create ho rakha hai, carbon par plus hai, oxygen par minus hai, proper plus or minus nahi, delta plus or delta minus hai, this is the resonance hybrid, theek hai। सबसे पहले इस बात को समझने का ट्राई करो। ओके, नाउ
अब जो इंपॉर्टेंट बात है जिस पर हमें मेन ध्यान देना है, दैट इज मान लो यही पर C डबल बॉन्ड O पर आता है NH2-, तो ये NH2- क्योंकि यहां पर डेल्टा प्लस है तो इसके साथ यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा। तो जैसे जैसे ये यहां पर अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पुश होगा। तो ट्राई टू रियलाइज जस्ट बिफोर द रिएक्शन ऑकरिंग ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा अब ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। इन दोनों में नेग्लिजिबल इंट्रैक्शन रहने वाला है और वहां पर अब जो हमारा NH2 है उसका इंट्रैक्शन जो है वो हमारा क्रिएट होने वाली है। सो बॉन्ड पोलैरिटी हैज इंक्रीज्ड। जो बॉन्ड का पोलैरिटी है वो हमारा इंक्रीज होने वाला है। क्लियर? सो क्योंकि बॉन्ड का पोलैरिटी हमारा इंक्रीज किया है, किसके कारण पर हुआ है? NH2-। क्या ये हमेशा हो रहा था? नहीं, हमेशा तो ये वाला पोजीशन था। यहां पर तो जो चार्ज सेपरेशन था एक्सटर्नल के प्रेजेंस में इसका जो पोलैरिटी है वो हमारा इंक्रीज हुआ। सो दिस इज कॉल्ड, ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्लस ई इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड मान लो हमारे पास है CH2 मान लो इस पर हमारे पास आ गया है H+। तो ये प्लस यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये H+ क्या करेगा? विल पुल इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपने तरफ उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करेगा। और अपने तरफ जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करेगा तो जो परफेक्टली नॉन पोलर था अब ट्राई टू रियलाइज प्रैक्टिकली पूरा का पूरा जो हमारा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग माइनस चार्ज क्रिएट होगा और इस पर स्ट्रॉन्ग प्लस चार्ज क्रिएट होगा ये वाले H+ के प्रेजेंस में, और फाइनली ये वाला बॉन्ड पूरा टूट के H+ को डोनेट हो जाएगा। सो अ नॉन पोलर बॉन्ड हैज बिकम पोलर। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? माइनस ई इफेक्ट। सो अगर मान लो कहीं पर भी पाई बॉन्डेड सिस्टम हो, यानी जहां पर ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा रेजोनेंस चल रहा है, उस चीज को इंक्रीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड मान लो सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है, ठीक है, सो इंडक्टोमेरिक के बारे में अगर मैं देखूं, मान लो तुम्हारे पास है CH3Cl, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी ये वाला Cl यहां से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो कार्बन पर ऑलरेडी डेल्टा प्लस है और Cl पर ऑलरेडी डेल्टा माइनस है। मान लो अब यहां से आ रहा है OH-, तो जैसे जैसे OH- इंटरेक्शन करना चालू करेगा OH- विल पुश द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम इट। ठीक है,
इंक्रीजिंग। द पार्शियल चार्ज सेपरेशन, इंक्रीजिंग द पार्शियल चार्ज सेपरेशन, यानी क्या होगा? ट्राई टू रियलाइज, यहां पर जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, यानी OH माइनस के साथ जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी, CH3 पर जो कार्बन है उस पर और भयानक प्लस क्रिएट होगा और क्लोरीन पर और भयानक माइनस क्रिएट होगा, तो बॉन्ड का पोलैरिटी जो है वो हमारा इंक्रीज कर चुका है। सिमिलरली इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगा हुआ था तो उसको और ज्यादा पंप करके बाहर निकालने में हमारे पास इलेक्ट्रॉन पुलिंग वाला इंडक्टमरिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। सो दिस इज द केस ऑफ प्लस इंडक्टोमरिक इफेक्ट। अगेन ये भी टेम्पररी इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक दोनों के दोनों ही लिख लेना। सो दे आर टेम्पररी इफेक्ट्स। सो कुल मिला के बात यही है, जितने भी इफेक्ट्स मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो रिएक्शन हो ना हो यानी परमानेंट हो, या चाहे वो टेम्पररी हो, वो सारे के सारे हम लोगों ने यहां पर कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों इफेक्ट्स इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी तरीके से हम लोग खत्म कर चुके हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द एरोमेटिसिटी। लेट्स सी।